अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी दिस इज हाउ इंडियन सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन लंदन। आइए मिलकर देखते हैं जिंदा कौम में अपने जश्न कैसे मनाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन से निकल कर थोड़ा दूसरों को अपने भाइयों को देख के खुश हो लेते हैं, क्योंकि हमने तो कभी खुशियां देखनी ही नहीं है इस मुल्क में। हमने तो सिर्फ जलाओ गिराओ मार काट और महंगाई और बेबसी लाचारी यही देखनी है। चलिए आइए ये वीडियो देखते हैं, उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। So welcome back to the channel guys, once again Travelsome Pranav reporting live from London, England, United Kingdom। भाई ये देखो इंडिया की जर्सी मैंने पहन ली है, उस हिसाब से आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि भाई आज क्या है। आज डेट है 15 अगस्त, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। और भाई इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं लंदन में, इंग्लैंड में, जिस कंट्री से हमें आज़ादी मिली आज उसी कंट्री में हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो भाई इस वक्त मैं हूँ लंदन के ईस्ट पार्ट में। आप लोगों को पता है भाई इंडियंस कितने सारे हैं लंदन में, सिर्फ इंडियंस ही नहीं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ब्रिटिशों का राज था, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो काफ़ी सारे लोग उस कंट्री के यहाँ पर है। इंडिया के फेस्टिवल हो, चाहे पाकिस्तान के फेस्टिवल हो, बांग्लादेश के हो, ईद दिवाली, भाई जो भी है हर फेस्टिवल एकदम धूमधड़ाके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एरिया भाई मिनी इंडिया है, मिनी पाकिस्तान है, तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी लोग देखने को मिलेंगे, खास तौर करके इंडियन, क्योंकि आज भाई इंडिपेंडेंस डे है। हर साल धमाकेदार सेलिब्रेशन होता है और इस साल भी होने वाला है। सब लोग जा रहे हैं रेडी होके, जर्सी वगैरह पहन लिए भाई ने, अब जा रहे हैं डांस वांस करेंगे भाई, क्या बात है। तो भाई ये एरिया में सब आपको देसी रेस्टोरेंट वगैरह दिखेंगे। ये देखो वहाँ पर एक है चाय वाला, इंडियन फूड मिलेगा, और ये देखो भाई आइसक्रीम की ट्रक वगैरह भी है, कपड़ों के दुकान भी है यहाँ पर भी, सब इंडियन शादी वगैरह के जो दुल्हन के डिज़ाइनर कपड़े हैं वो भी मिलेंगे, जो ट्रेडिशनल अपने इंडियन और पाकिस्तान के भी हैं वो कपड़े भी मिलेंगे। और एक दुकान है यहाँ पर राखियाँ वगैरह बिक रही है। हेलो अंकल, कैसे हो? ठीक हो अंकल? फ़ोन पर है तो बिजी, कैसे भाई? ठीक हो? तो भाई राखी का वगैरह भी स्टॉल लगा है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है। तो भाई जो जो फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, रक्षाबंधन है, अभी दिवाली भी वगैरह भी होगी, तो इंडिया में सब पटाखों के स्टॉल वगैरह भी लगते हैं, बट आज है इंडिपेंडेंस डे। तो भाई इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हर जगह तिरंगा वगैरह लगा है, आपको दिखाता हूँ। चलो भाई थोड़ा भीड़ के अंदर जाकर देखते हैं। Thank you।
सेलिब्रेटिंग आप अंकल सचिन, तो आप कितने सालों से ये सेलिब्रेशन तो आप ही सब लोग ऑर्गेनाइज करते हो क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो भी लड़के इधर के यंग लड़के वो सब मिलके करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे देश के लिए जो भी हम कहते हैं हमारे देश के यहाँ पर जो रहते भी काम करते हैं घर में हमारे ये कम्युनिटी इंडिया का कल्चर जाने कि इंडिया में कैसे नृत्य होता है इसलिए हम इधर ऐसा करना चाहते हैं तो हमने ये स्टार्ट किया 5 साल पहले पहले साल थोड़ी हम पब्लिक धीरे धीरे बढ़ गई है आपके वहाँ पता है कि इधर होता है पूरे वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं में जिस कंट्री से हर जगह करो हर कंट्री में करो ये होना नहीं यहाँ पर मजा ज़्यादा है इससे हमें आगा नहीं मिली यहाँ पर सेलिब्रेट करने का मजा आ रहा है तो भाई पूरे हमने तो यहाँ पर पूरे फ्लैग भी लगाए हैं हाँ पूरे यहाँ पर आगा सबसे पहले अच्छा और मैं हिस्ट्री ऑफ फ्लैग हिस्ट्री ऑफ डैनियन फ्लैग मैं आपको वो फ्लैग का चार्ट भी दिखा दूंगा बट यार अच्छा लगता है कि इंडिया के बाहर रहते हुए भी लोग इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाते हैं और वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने किसी से काम कम नहीं भारत माता की जय भारत की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद तो भाई और भी बढ़िया सेलिब्रेशन अगले साल और ज़्यादा होगा हम तो चाहते हैं ज़्यादा मुझे इधर आए ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से इधर आए सेलिब्रेट करें अच्छा जो बाहर से भी लोग देखने के लिए आए नहीं जो बाहर से इंडिया से देखते हैं उनको आप क्या बोलना हम तो यही बोलेंगे कि हम हमारा दिल उधर ही है हम बड़े भले इधर हो लेकिन हमारा दिल उधर ही है ये लोग भी है भाई लोग आप इंडिया से भी हो इंडिया से ये लोग कहाँ से ब्रदर वेयर आर यू फ्रॉम आम बिक रहे हैं और ये अंकल है अंकल आपका नाम मेरा नाम रिजवान और कहाँ से हो आप पाकिस्तान कराची से क्या बात है तो अंकल काफी सारे लंदन में इंडिया और पाकिस्तान के लोग रहते हैं साथ में रहते हैं क्या कहना चाहोगे यार हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखिए आज इंडिया का इंडिपेंडेंट डे है ना हमने इनका भी झंडा लगाया बहुत तरीके है और हम साथ बिजनेस करते हैं साथ कारोबार करते हैं हर चीज़ हम साथ करते हैं हमारा आना जाना एक दूसरे के ओकेजन पे मौकों पे हर चीज़ पे दिवाली पे दूसरी जगह हम एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं हमारे ईद पे भी आते हैं हम लोग इनके भी जाते हैं सबसे ज़्यादा हमारा आप कहना चाहोगे यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं है सब दोस्त बन के पब्लिक के दरमियान में कोई भेदभाव नहीं है अच्छा लोगों के दिलों में प्यार है देखो ना हम साथ इनके साथ ही थोड़ी देर पहले इधर इंजॉय कर रहे थे खड़े हुए और अभी हम सब बंद करके नहीं जाएंगे अरे ये लोग हमारे साथ इंजॉय कर रहे थे हम इनके साथ कर रहे बस आपको भी कल आपका इंडिपेंडेंस डे था थैंक यू आपको भी बहुत बहुत मुबारक थैंक यू आज समय है तो भाई मैं भी थोड़ा अभी डांस वांस करूँगा बड़ा अच्छा लगा भाई तो भाई ये अंदर की गलियों में हूँ और यहाँ पर अपने काफी सारे इंडिया के अंकल लोग बैठे हैं अंकल आपका नाम राज आपका नाम अंकल संजय अंकल चलो ये सब पटेल आई लाइक योर एक्सेंट अंकल तो अंकल आज इंडिपेंडेंस डे है कैसा लग रहा है आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीन सिटी में सेलिब्रेट होता है पहली बात है हाँ गद्दार टू भारत माता की तो भाई यहाँ पर भी भाई ये एरिया थोड़ा मिनी इंडिया है तो अपने इंडिया में जैसे सब लोग घर के बाहर आकर बैठते हैं सब अंकल लोग अपने बैठे हैं यहाँ पर बाहर तो चलो अंकल यहाँ पर मेन सेलिब्रेशन जय हिंद भारत माता की जय भारत माता की जय
अभी आया था शुभ नामे जागे भव शुभ
काफी बढ़िया सेलिब्रेशन रहा भाई। लंदन में इतने
क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था। वीडियो क्या था, जश्न आजादी का शोर था, एक जज्बा और बलबला था, और था लंदन की सड़कों पे जिनसे हमें आजादी मिली है। तो बहुत ही मजेदार व्लॉग था और लोगों का यार दीदनी था, जो लास्ट में दिखाया गया, मजा आ गया उसको तो देख के यार। भाई इतनी तादाद में वहाँ पे देखे गोरों के देश के अंदर यार सेलिब्रेशन हो रही है, तिरंगे जो है ना लहरा रहे हैं यार तरफ, और सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो यही चीजें होती है कि देखिए खुशियां जो होती हैं जब हम बांटते हैं, जब हम दूसरों को खुशियों में शामिल करते हैं, हम अपने आप को जो है ना खुद खुश करते हैं तो फिर दूसरे भी हमसे खुश होते हैं। जब हमारे अंदर इंतहापसंदी होती है तो फिर दूसरे भी हमसे नाराज ही होते हैं। तो खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब देखिए अब पाकिस्तानियों को इन गोरों से भी सीखना चाहिए। देखिए अब उनसे आजादी हासिल की है, पहले वो हुकूमत कर रहे थे, अब उन्हीं जिन्होंने आजादी हासिल की है उनके बड़े शहर में इतनी तादाद में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर अगर हम पाकिस्तानी होते वो तो कहते हैं भाई यहाँ पे ना सेलिब्रेट करो, मार दो, काट दो, यार यार ये चीज होती है, इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं पैशन, इसको कहते हैं काबिलियत। हम तो दुनिया की कुछ अलग ही कौम है, लेकिन पाकिस्तानी खासकर पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी अजीब ही अजूबा है जो इस्लाम के नाम पे भी दबा भर चुके हैं। बिल्कुल अजीब ही मखलूक बन चुके हैं, अजीब ही इन्होंने मजहब पढ़ लिया है, अजीब ही इन्होंने इंसानियत सीख ली है, अजीब इनका रंग ढंग हो गया है। वो जैसे वो नहीं वो जो आने हैं क्या कहते हैं वो जो एंड पे आने हैं वो बड़े से ये वो बन चुकी है, इनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसको पढ़ते खा जा रहे हैं, बस हमने इसको फिनिश कर देना। भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो अपने हकूक के लिए बाहर निकालो, सड़कों पे निकालो, जलाओ भराओ करो, सारा कुछ करो, लेकिन अपने हकूक के लिए निकलो। आपको एक रुपया पेट्रोल बढ़े तो आप बाहर आ जाओ, एक रुपया डॉलर बढ़े बाहर आ जाओ। आपको कुछ भी ऐसा लॉ और कानून बने जिसको हमारे लिए बेहतर ना हो उसके लिए बाहर आ जाओ। लेकिन क्या ये जो कल कर दिया इसके बाद तो हमेशा के लिए जो पाकिस्तान का और कुछ भी जो सॉफ्ट इमेज रखने वाले लोगों का सर शर्म से झुका दिया है। और अगर किसी को भी कल के इस वाकये की परवाह है तो लटका दें इन लोगों को चौक चौराहों में ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। और यही वजह है कि हम सख्त सजाएं नहीं देते जिसकी वजह से ये लोग दोबारा ये हरकतें करते हैं। चले जी, खैर बहुत ही मजेदार वीडियो था, इंजॉय किया, मजा आ गया उसको देख के। लंदन की सड़कों पे और जश्न आजादी मनाया जा रहा है, भारत का भारत माता की जय बोली जा रही है, नारे लग रहे हैं, और क्या ये सेलिब्रेशन है, बच्चे बूढ़े सब हर कम्युनिटी के लोग। लंदन के अंदर देखिए कि वहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इकट्ठे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हाँ। तो क्या उनका यहाँ मौत क्यों बढ़ जाती है, एक % माइनॉरिटी को भी हम नहीं संभाल सकते यार। तो भाई दूसरों की खुशियों में शामिल होंगे तो आपकी खुशियां भी बढ़ेंगी, तो अगर आप दूसरों को दुख देंगे तो आप भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों के लिए गड़ा खोदोगे खुद गिरना ही गिरना है उसमें, तो भाई खुदारा ऐसी ये दुआएं कर करके थक गए कि अल्लाह ताला इस कौम को हदायत दे और इसको अपने आप की पहचान आई, अपने हकूक को पहचान ले। ये ऐसे ही पता नहीं जाहिलाना काम कब तक करते रहेंगे और मुल्क की बदनामी का बायस बनते रहेंगे। सीखिए कुछ इंडियन से, सीखिए कैसे खुशियां सेलिब्रेट की जाती है, कैसे दूसरों को खुशियों में शामिल किया जाता है। भाई जो हकीकी जिंदा कौमें होती हैं वो ऐसे ही अपने त्यौहार सेलिब्रेट करती हैं, अगर मुर्दा कौमें कैसी होती हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान। आई होप सो आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।